किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश के नीगुस के गांव की व्यवस्था है और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना संभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। यहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गाँव कोटा पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान लीलावती हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 370 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 6 सीसीटाइज रोड, प्राइमरी विद्यालय में मरम्मत कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों तथा पानी की टंकी का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गाँव में 47 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 120 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 32 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री, सड़क, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 300 शौचालय एवं प्रधानमंत्री आवास योजना 41 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति हूँ ग्राम पंचायत पोटा के। जो धनराशि मिली है मैंने विकास कार्य सड़कों में, सोल लाइट में जी, टंक पानी की टंकी में जी, और स्कूलों में सब कार्यों में लगाया है। और जो मेरे गांव के लिए आवास नहीं मिले हैं आज तक कोई भी 20 साल से, जो रुका हुआ है विकास वो पूरा होना चाहिए। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि के किस समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम जवर सिंह है, ग्राम पोटा का रहने वाला हूं। ये रास्ता बहुत ही खराब है, प्रधान जी ने इसे बढ़िया करके सही कर दिया। प्रधान जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, साहब कोई शिकायत का मौका न दे रहे।